हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का बज रहा है 5:30 और हम उठ चुके हैं। हम 5 बजे का उठे हैं, इसलिए हम सुबह का 5 बजे उठे क्योंकि जुहान उठ चुका था तो उसको पहले सुलाया, उसके बाद जाके घर पे पानी नहीं था पीने का, मैं पानी भरना पड़ता। हम सुबह का 5:30 बजे उठे हैं और उसके बाद जाके हमको नाश्ता बनाना है, तो हम नाश्ता यहाँ पे बना रहे थे, चना। चना के बाद मैं बनाऊँगी पराठा। अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ नमक डालेंगे और उसके बाद जाके यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। एकदम सिंपल तरीके से जल्दी बन जाता है, नाश्ता में देने के लिए टिफ़िन में बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अच्छा से पहले भून देंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम घर से और एकदम सुबह 5:30 बजे एकदम सुबह हो रहा है और हम यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर दिए। और आज का ये मौसम रहा बहुत अच्छा है मौसम आज का। बस पानी डाल दिए हैं, अब इसमें हम सीटी लगाएंगे। सीटी इसमें हम 4 सीटी लगाएंगे, ये अपने आप देखिएगा आप लोग, 4 सीटी में ही अच्छा खासा बन जाएगा ये। चलो अब इसमें हम सीटी लगाते हैं। मतलब सो गए थे जब इसके पापा को हम भेज दिए, वो चले गए टिफिन उफिन लेके, तब हम नाश्ता करने के लिए अब उठे हैं। उस टाइम हमको बहुत तेज़ नींद आ रहा था क्योंकि हम सिर्फ नाश्ता बनाने के लिए उठे थे। और यहाँ पे जुहान को देखो आप लोग कैसे कर रहा है जुहान तो खा लिए, बाबू को तो पहले नाश्ता कराए। अब बैठ जाओ बेटा, मम्मा करेंगी, बैठो भाई, बैठो, मम्मा नाश्ता नहीं करेगी, 10 बज रहा है, देखो तो नाश्ता करने का टाइम हो गया। हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और जुहान को साइड में बैठा के रखे हैं, जुहान को एयरप्लेन दे के चुपचाप बैठे रहेगा, पता नहीं बैठेगा कि क्या करेगा जुहान। नो बेटा, गंदी बात, गंदी बात। ओके, जुहान का बिस्तर लगा हुआ है वहाँ पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किचन का सारा काम हो गया है, ये घर भी पूरा साफ है। बस जुहान को गोदी में लिए हुए इसको अब हम नहलाएंगे। बैठ बेटा यहाँ पे, जुहान बैठो, सारा घर का काम हो गया हम लोग का आज ना जुहान। दाल चावल चढ़ा हुआ है, आज है फ्राइडे और फ्राइडे का दिन कुछ स्पेशल हम नहीं बना रहे क्योंकि जब हस्बैंड ही नहीं है तो क्या फ़ायदा अच्छा खाना बना के, अच्छा सामान लाने वाला भी नहीं है, जो कि इसके पापा कर रहे थे तो कुछ बनाने का सोचते, तो हम संडे का दिन बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे अब हम सोचे नहीं अभी, बट जो भी बनाएंगे आप लोग से हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जुहान को बैठा के रखे हुए क्योंकि दाल चावल चढ़ा हुआ है मेरा। अब जुहान को हम फ्रेश करेंगे क्योंकि जुहान एकदम गंदा है, अभी सो के उठा है। इसका सोने से हम जल्दी जल्दी का सारा काम किए, बर्तन वर्तन धो लिए, झाड़ू पोछा कर लिए। जहाँ जहाँ जुहान, अच्छा खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, तो शाबाश, खड़ा हो जाओ, आओ मेरे पास आओ, आ जा आ जा जवान, आ जा बेटा, आ जा जवान। देखते देखते माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया ना, अपने से चलने भी सीख रहा है। ये सिर्फ एक ही काम करता है, हम ऊपर बर्तन धोते रहते हैं ना तो फट से ना ये जाकर पाइप निकाल देता है। अब पाइप निकालता है तो पूरा घर में यहाँ से यहाँ पूरा रूम में पानी चला जाता है, इतना ही बदमाश। इधर बेटा, इधर इधर, आपको ये रूम में खेलने के लिए दिया गया, ये रूम, ये रूम में खेलो, वो रूम में नहीं, वो रूम में स्पेस कम है। फिर खाली बोलता हूँ, उंगली लेके घूमो। ये देखो जुबान कैसे चल रहा है, आ जा बेटा, आ जा जुबान, आओ ये रूम में आओ,
आ जाओ देखो जवान मामा भी चलता है। जवान का मामा का वीडियो हम एक बार भी नहीं डाले थे ना, आज हम डालेंगे जवान का ये भी वीडियो। जवान नहीं, जवान को क्या चाहिए आप लोग देखना। चाय बेटा चाय, जल्दी पकड़ जल्दी पकड़, वो बॉल बॉल जवान, ओ देखो तुम्हारा बॉल है, वहां से लेके आओ जाके बेटा, जाओ तो। अच्छा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा होके चलो, खड़ा होके चलो, खड़ा हो जाओ। बदमाश है, सच में बहुत बदमाश है, एकदम नहीं खड़ा होने की खोजता है। अपने से खड़ा हो जाओ, क्या हुआ, जाओ लेके आओ, जाओ जाओ, वो लेके आओ, बॉल लेके आओ, चलो हम देते हैं, ये लो खेलो। लो आज हमको बिरयानी खाने का मन कर रहा है, पर बिरयानी बनाएंगे नहीं, कैसे बनाएंगे। जोहान जाके चिकन लेके आओगे, बिरयानी खाना है, टक पकड़ो। परेशान कर देता है ये लड़का सच में बॉल के साथ। ए रुको, बॉल भी तो एक जगह नहीं रहता है बेटा, अकेले दिन भर यही रहता है मेरा काम, घर का काम करने के बाद जुहान के साथ सिर्फ मस्ती करते रहो। जुहान अकेले रहता है, परेशान हो जाता है, इसकी वजह से हमको ही खेलना पड़ता है। और जब इसके पापा आएंगे तो इसके पापा खेलेंगे ना। जुहान पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, थक जा रहे सच में। सीटी मारा, दाल चढ़ा, तो जुहान का डर देखो कैसे देखता है। जब छोटा था ना तो बहुत डरता था, ये सीटी मारता है तो या मिक्सर चलाओ तो बहुत डरता था। अभी तो थोड़ा सा मतलब समझदार हो रहा है तो नहीं डरता है, पहले तो हम हिल जाता था रोते रोते। सो रहेगा तो सो के उठ जाएगा, ऐसा रोएगा। यहाँ से रोशनी अच्छा खासा घर पे आता, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम किचन में भी लाइट नहीं जलाते हैं, सारा कपड़ा डला हुआ है यहाँ पे, घर पे ही कपड़ा हम सुखाते हैं। कौन लेके जाएगा छत पे, इसको लेके हम जा नहीं सकते, थक जाते हैं। ये देखो ये कैसे बैठा है, जैसे लग रहा है कि नमाज पढ़ रहा है। बाबू वो रूम में जाओ, वो रूम में जाओ बेटा, ये लड़का बहुत परेशान करता है सच में। लो चलो हम जुहान को फ्रेश करते हैं, उसके बाद जाके पहले मुंह धुलाएंगे, नहलाएंगे नहीं, आज बारिश हो रहा है, मौसम थोड़ा ठंडा है, सिर्फ तेल लगा के बदन पोछेंगे गर्म पानी से और जुहान को खिलाएंगे। अभी जुहान को क्या पहनाना वो भी हम नहीं सोचे हैं, सोचे आज कुर्ता पहना देते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। कुर्ता तो ये पहने नहीं खोजता है, बहुत परेशान करता है अगर पहना देंगे तो। जुहान लो, बहुत परेशान कर दिया बेटा, अपने भी परेशान होते हो मेरे को भी करते हो। चलो थोड़ा सा बनाया छोटा सा डिश, क्योंकि एक लोग के लिए क्या पकाएंगे, और यहाँ पे दाल चढ़ा हुआ है। खाने का देरी, अगर ये उठ गया तो घर में पूरा मंगल बाजार लग जाता है। ये देख सकते हो आप लोग, ये डंका को हम छुपाते हैं, ये निकालता है, ये इतना अच्छा सा सरिया देते हैं, सारा सामान गिरा देते हैं और अपना डंका निकाल लेता है। अभी स्टिक इसका पलंग का पीछे फेंका हुआ है तो हम नहीं निकाले हैं, तो ये लड़का हाथ से ही बजा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा ये हल्ला करता है ना कि जो अगल बगल हम लोग के मतलब रेंट पे रहते हैं ना, वो जब भी घर से निकलो ना बाहर तो वो जरूर बोलेंगे। मतलब जुहान बहुत हल्ला करता है, जुहान रात के 1 बजे तक चिल्लाते रहता है, इतना ही परेशान कर देता है। अब एक डंका ले लिया, इतना बजाता है, इतना बजाता है। आप लोग मतलब पहले का ब्लॉग जो भी हम डाले हैं ना, तो आप लोग देखना ज़रूर, वो ब्लॉग में मुहर्रम के टाइम में कितना कस कस के बजा रहा था। अभी इसको बॉल भी चाहिए, ये डंका भी चाहिए। जुहान चल बेटा तैयार कर दे तुमको, बहुत टाइम हो गया है, 1:30 बज गया। जुहान चलो फिर खाना खाएंगे, ठीक है। हाय बॉल खेल रहे हो, ए बचाओ, ए बचाओ, दिख 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 दिख,
बजाओ, बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बजाओ। अच्छा जो मम्मा मीठा बनाई थी ना, ये लो मीठा खाओ। जुहान जो मम्मा मीठा बनाई थी ना, ये लो मीठा। जो हम मीठा बनाए थे ना वही है, लो। पान मिस लिए पूरा अच्छा से, उसके बाद जाकर चलो अब खिलाते हैं। घर का कुछ इस टाइप का घर का किया हुआ है सुहान, अभी हम इसको सुलाएंगे फिर घर साफ करेंगे, तब देखते हैं उठेगा तो फिर क्या करता है। रेडी हो गया है और जुहान अभी ज़मीन में खेल रहा है, क्योंकि हम पलंग को साफ़ करेंगे और पूरा घर फिर से फैला दिया है। जब ये सो के उठ जाता है तो घर का कुछ इसी टाइप का हाल रहता है, और जब सोएगा तब हम दिखाएंगे आप लोगों को घर कितना साफ़ कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम जुहान को लेकर चले सोने, चल बेटा सोलाएँगे। फिर से चाह रहा है कि मतलब घर को फैला दे, नीचे उतार दो, पर हम उसको नीचे उतारने वाले नहीं है। अब हम कूलर चालू करके अब जा रहे हैं सोलाने के लिए। तो बस आज का यही था ब्लॉग, जो कि जुहान सो चुके हैं, जो भी हम लोग खाना वाना खाए थे वो बर्तन तो हम लोग धो लिए हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करने मत भूलना। लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा ब्लॉग, इसलिए मैं यहीं पे करती हूँ ब्लॉग को एंड। अब जुहान सो चुके हैं तो अब हम भी जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करेंगे, और माशाल्लाह कितना प्यारा सा सोया हुआ है ना, और ड्रेस भी इसका अच्छा लग रहा है, जिसके दादी ये दी थी येलो ड्रेस, तो हम सोचा आज यही वाला पहना देंगे। हम कुर्ता पहनाने की कोशिश की है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, तो हम इसको मतलब ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किए, हम बोले ठीक है यही पहन के सो जाओ बाबा, जैसे भी सो जाए बस सो जाए, क्योंकि दिन भर मेरे को परेशान कर देता है, और हम इतना बात कर रहे हैं वो इतना गहरा नींद में है कि वो उठ भी नहीं रहा है, क्योंकि कूलर चल रहा है, इसके वजह से वो आराम से भी सोएगा, एक डेढ़ घंटा सोएगा, तब तक अब हम भी आराम करने जाते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़। उठ चुका है, घर का कुछ इस टाइप का हाल है, जो कि हम इतना प्यार से सरियाए थे, और यहाँ पे कोशिश में है कि ऊपर का सारा सामान गिरा दे, नीचे गिरा चुका है सारा सामान, अब उसका हाथ नहीं जा रहा है तो ऊपर में भी लगा हुआ है। मतलब घर साफ करो, जब तक जुहान सोया है तो घर साफ है, जुहान उठा घर एकदम गंदा, तुरंत में मंगल बाजार लग जाता है। मेरा दिन भर कैसे निकलता हम नहीं जान पाते, मतलब कि इतना परेशान करेगा बच्चा हमको पता नहीं है। जुहान क्या किए बेटा घर का आप, बेटू क्या किए ये सब, अब वो कौन उठाएगा। ए लड़का नींद पूरा हो गया, ए लड़का, ए जुहान, जुहान फिर से टंका निकल गया, चलो 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 बिस्किट खिला दे, शाम हो गया बेटा बिस्किट खाएंगे, चलो बिस्किट, देखो वहाँ पे दूध दूर रखा हुआ है, चलो 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 आओ लेके, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, नहीं छोड़ेगा। जुहान का ड्रेस भीग गया तो जुहान कपड़ा चेंज कर लिया है, अभी शाम हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले ही जब ये सोया था तो हम कपड़ा चेंज किए थे, और उठ के कपड़ा पूरा भिगा लिया है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे उसका खाना निकला हुआ है। अब चले इसको खिलाने के लिए, खुशी देखो इसका खाना का। फाइनली अब हम चाय पीने जा रहे हैं, जुहान सो गया, उसके बाद तेल उल लगा दिए उसको, वो सो गया है, अब हम चाय पियेंगे। हम रात का खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि जुहान के पापा का दावत है, और हम आज घर पे खाना नहीं बनाएंगे, हम बाहर से अपना मंगा लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, बस वो आएंगे और फ्रेश होंगे, वो चले जाएंगे, पार्टी में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो रहा है इसकी वजह से। तो चलो अब हम चाय पीते हैं, बहुत लेट हो गया, शाम से सोच रहे हैं चाय पियेंगे, बट सुहान की वजह से नहीं पी पा रहे थे, बहुत परेशान करता, अभी सोया, अब ये नहीं उठेगा, अब ये सुबह उठेगा, मतलब 2-3 घंटा के बीच में एक बार उठता है, वरना ये नहीं उठेगा, अब आराम से सोएगा, देखो आप लोग कितना आराम से सो रहा है। देख के खुशी देखो, कौन है, सुहान के पापा। हमको लगा ना ये सो गया तब नहीं उठेगा, अब फिर उठ के बैठ गया, जो टंका बजा रहा है, जो टंका बजा रहा है ये लड़का। कौन है, कौन आ गया,
तो जुहान सो गया था बट हमको लगा नहीं उठेगा, पर फिर से उठ गया। उसके पापा का फ़ोन आया नीचे, हम दरवाज़ा खोलने गए थे तो इसके वजह से। अब देखो जुहान के पापा के पास जाके जुहान मेरे को एकदम भूल गया है। चलो अब हम करते हैं ब्लॉग को एंड। बाय बाय।